तालाबुंडी थाना क्षेत्र में बंद पड़ी खदानों से लौह अयस्क के अवैध खनन और कालाबाजारी करने वाले के विरुद्ध प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। उपायुक्त अरवा राजकमल ने अवैध खनन के लिए जांच टीम गठित की है। डीसी के आदेश के बाद जगनाथपुर अनुमंडलाधिकारी स्मृति कुमारी के नेतृत्व में टीम गठित कर बड़ा जामना नवा मुंडी माइंस की जांच शुरू की गई थी। टीम में जगनाथपुर एसडीपीओ प्रदीप उरांव, अंचलाधिकारी नवा मुंडी सुनील चंद्रा तथा अन्य पदाधिकारी शामिल थे। सूत्रों की माने तो क्षेत्र में अवैध तरीके से संचालित होने वाले तकरीबन 10 से 12 माइंस हैं। अब तक 5 से 6 क्रशर और माइंस की जांच की गई है। जांच के क्रम में कालाबाजारी का खुलासा हुआ, इससे सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व घाटा हो रहा है। इस मामले में पूर्व विधायक मंगल सिंह बोबोंगा ने गलत तरीके से हो रहे लौह अयस्क उत्खनन को लेकर एसडीओ को कोल्हान आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा है। सौंपे गए ज्ञापन में लौह अयस्क माफिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। छानबीन के क्रम में वाहन चालकों ने कहा कि 100 गाड़ियों की ट्रांसपोर्टिंग में मात्र 30 गाड़ियों का पेपर ही सही रहता है, बाकी बिना पेपर के ही दर्जनों क्रशरों में लौह अयस्क का भंडारण होता है। उल्लेखनीय है कि चाईबासा में 39 लौह अयस्क के माइंस हैं, जिसमें से 90% से अधिक बंद हैं। बावजूद इसके लौह अयस्क का उत्खनन और भंडारण होता रहता है। इसकी बानगी कुछ दिन पहले बड़ा जामदा और पुष्ट क्षेत्र में देखने को मिली। यहां बंद पड़ी कोर मिनरल्स माइंस के पास जिला प्रशासन टीम ने 750 मीट्रिक टन आयरन अयस्क जब्त किया था। मिला वाले घरों को रोशन तो करते ही बच्चों का भविष्य भी संवारते हैं। चिकू, तुमने बोला बड़ा रोल मिला है तो मुझे लगा क्या लगा लगा कि सेल्फी तो बनती है। चाचू, मेरा टैलेंट सेल्फी में फिट नहीं होगा। ओ सेल्फी में तो फिट हो गया, गाड़ी में फिट होगा। 105 डिग्री सुपर वाइड सेल्फी ऑन वीवो V19। लोगों के घर में झांकना छोड़िए मकीजा, तू भी अपने घर में सेफ पेंटिंग करा ले, शूटिंग के लायक होगा तेरा घर। एशियन पेंट्स सेफ पेंटिंग सर्विस, मिस्ड कॉल दें 8050480504 पे। वाह।